नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में बीजेपी की जीत पर उठे सवालों की, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत की, देखेंगे हरियाणा में बीजेपी के मंत्रियों की हार को, नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के दावे को, जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कौन होगा एमवीए का सीएम फेस, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर के तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों का किया खंडन, कहा लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में मतभेद हो सकता है लेकिन कोई मतभेद नहीं। हेमंत सोरेन को जेल से लौटकर सत्ता की कमान संभाले, 90 दिन हुए पूरे, शेयर की सरकार की उपलब्धियां, मैय समान यात्रा से लेकर किसान कल्याण का किया जिक्र। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बोले 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी लेकिन दिखाने के लिए एक भी काम नहीं। शेयर बाजार में तेजी, 584 अंकों की तेजी के साथ 81,634 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 217 अंकों की तेजी के साथ 25,013 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है और चुनाव आयोग जाने की बात कही है। तो क्या रहे नतीजे, क्या है कांग्रेस का आरोप, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि जमीन पर जो स्थिति दिख रही थी नतीजे बिल्कुल उसके उलट आए। लेकिन कांग्रेस ने अब चुनावों में धुई धांधली को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए ईवीएम को बदलने का आरोप लगा दिया। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने सबूतों के साथ अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जिस ईवीएम की बैटरी 99% थी, उन्हीं जगह पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। पवन खेड़ा के अलावा जयराम रमेश ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के संदर्भ में हम चुनाव आयोग से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद भी 3 से 4 जिलों से ईवीएम को लेकर बेहद गंभीर मामले सामने आए हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत हुई है। वहीं अगर नतीजों की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 49, तो वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। हरियाणा के नतीजों ने सबको चौंका दिया है, तो हैरान जम्मू कश्मीर के नतीजों ने भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार अखाड़े में उतरी राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो किस पार्टी ने दर्ज की जीत और किसके हाथ लगी मायूसी, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं और चुनाव परिणाम में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 48 है, क्योंकि 5 सीटें एलजी की तरफ से नॉमिनेट की जाएंगी, यानी 95 सदस्यों की जम्मू कश्मीर विधानसभा होगी। जो परिणाम सामने आए हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42 सीटों पर जीत मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को 6 और सीपीएम को 1 सीट पर जीत मिली। इस तरह से ये गठबंधन 49 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें ही मिल पाई। बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे थे, पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, और एलजी की तरफ से जिन 5 विधानसभा सदस्यों को नामित किया जाएगा उनकी मदद से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन बीजेपी की कोई भी रणनीति काम नहीं आई, ना तो उसे जम्मू में उम्मीद के अनुसार सीट मिल पाई और ना ही कश्मीर में वो खाता खोल पाई। जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती को भी चुनाव में जबरदस्त झटका लगा। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव हार गई, पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2014 में हुए चुनाव में
पीडीपी को राज्य में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला राज्य के सीएम होंगे। जम्मू कश्मीर के नतीजों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी जीत कर भी हार गई है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना के बीच सभी की नजरें नायब सिंह सैनी की लाडवा सीट के साथ ही सरकार में मंत्री रहे नेताओं की सीट पर भी थी। सैनी सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। भले ही बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना के बीच सभी की नजरें नायब सैनिक सहित उनकी सरकार में शामिल मंत्रियों की सीट पर टिकी हुई थी। बीजेपी ने 11 मंत्रियों को भी टिकट दिया था, जिसमें से सिर्फ दो ही मंत्री अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रहे। इसमें स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता भी चुनाव हार गए। पंचकुला में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बड़े बेटे कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने हरा दिया। नूह में मंत्री संजय सिंह हार गए। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद चुनाव जीते हैं। जगाधरी से मंत्री कंवरपाल गुर्जर चुनाव हार गए हैं। यहां कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ हरियाणा की हॉट सीटों में से एक हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें यहां निर्दलीय चुनाव लड़ रही देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल से हार का सामना करना पड़ा। जबकि थानेसर में मंत्री भाजपा उम्मीदवार सुभाष सुधा कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा से चुनाव हार गए। बात रानिया सीट की जाए तो यहां से मंत्री रणदीप चौटाला चुनाव हार गए। यहां इनेलो बसपा उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ अंबाला सिटी से असीम गोयल और नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव चुनाव हार गए। जबकि पानीपत ग्रामीण से महिपाल टांडा और बल्लभगढ़ से मूलचंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जहां सीएम नायब सैनी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं उनके मंत्रियों को मिली हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी को झटका लगा है, तो बिहार से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं चल रही है कि वो पलटी मारने वाले हैं, और अब इसे लेकर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने बड़ा खुलासा किया है, तो क्या कहा भाई वीरेंद्र ने, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। अब तक तो केवल चर्चाएं सामने आ रही थी कि नीतीश जल्दी ही पाला बदल लेंगे, वो बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं, और अब इसे लेकर आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि नीतीश बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की सोच बदल सकती है और वो कभी भी तेजस्वी यादव को फिर समर्थन दे सकते हैं। दरअसल हाल ही में जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच बिहार में 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया गया। लेकिन इस बैठक को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने उनकी इसी चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की इस चुप्पी के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कभी कभी रात में नीतीश कुमार सोचते होंगे कि वे किस फेरे में पड़ गए, देशद्रोहियों से हाथ मिला लिया। ये सब याद कर नीतीश कुमार चौंक जाते होंगे। सपने में भी आता होगा कि देशद्रोहियों के साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली है। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ ही भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी तो आए हैं, नई बात थोड़े है। अब नीतीश कुमार चुप क्यों है, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। बहरहाल आरजेडी नेता के इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आरजेडी नेता के दावे ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, तो वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी टेंशन में दिख रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने एमवीए के सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने दाव पेच लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सीएम फेस को लेकर हो रही है। एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति में सीएम फेस को लेकर राड़ छिड़ी हुई है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में सहमति बनती दिखाई दे रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किसी भी चेहरे का समर्थन करेगी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के इस बयान को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद गुट की एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना है।
माना जा रहा है कि तीनों ही दल सीएम फेस को लेकर सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हैं। वहीं एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात बनती दिखाई दे रही है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि एमवीए के बीच 180 से 190 सीटों पर सहमति बन गई है, बाकी 100 सीटों पर बात अटकी हुई है। सीटों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दशहरे के बाद कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की बयार चल रही है, बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है। उद्धव ने साफ कर दिया कि हर हाल में इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा, तो कोलकाता में डॉक्टरों ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं है। कोलकाता मामले के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सीनियर डॉक्टर भी जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन के समर्थन में उतर आए हैं। डॉक्टर पीड़िता के लिए न्याय के साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक तो जूनियर डॉक्टर ही प्रदर्शन में बैठे थे, अब इस प्रदर्शन में सीनियर डॉक्टर भी एकजुट हो गए हैं। अपना विरोध जताते हुए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करीब 50 सीनियर डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 8 अक्टूबर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टरों ने इस सामूहिक इस्तीफे का फैसला लिया। अपने इस फैसले पर बात करते हुए एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स एक मकसद के लिए अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और यही संदेश देने के लिए हमने इस्तीफे दिए हैं। बता दें कि ममता सरकार से अपनी 9 मांगों को लेकर अड़े 6 जूनियर डॉक्टर 4 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि मामले में सीबीआई की जांच ढीली है। ममता सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा देने में सफल नहीं रही। प्रदर्शन पर बैठे एक डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी बाहरी दबाव में झुकने वाले नहीं, विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। वहीं डॉक्टरों के इस प्रदर्शन के बीच सीबीआई ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। अपनी जांच के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि संजय रॉय ने घटना को अकेले अंजाम दिया था। ये घटना 9 अगस्त की है, लेकिन मामले में कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टरों के रवैये से ये साफ हो गया है कि वो न्याय लेकर रहेंगे। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, तो विरोध यूसीसी को लेकर भी दिखाई दिया। लेकिन अब जल्द उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूसीसी को लागू करने को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यूसीसी कमेटी इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। देखिए रिपोर्ट। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने एक बार फिर यूसीसी को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाला है। इसके लिए राज्य की तरफ से अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई यूसीसी कमेटी इस रिपोर्ट को अब जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। बता दें कि ये रिपोर्ट उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने के प्रावधान शामिल हैं। सीएम धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। इस बिल को विधानसभा में 7 फरवरी को ध्वनिमत से पास किया गया था, जिसके बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिली थी। बताते चले कि इस बिल को लेकर केंद्र में अभी भी विवाद चल रहा है। ऐसे में अगर उत्तराखंड में ये बिल पास होता है तो ये देश का पहला राज्य होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हरियाणा में एग्जिट पोल का सब उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन कश्मीर में कश्मीरियों को लंबे वक्त के बाद अपनी बात मतदान से कहने का मौका मिला और उन्होंने भाजपा से धारा 370 हटाने का बदला वोट डालकर ले लिया। अब आने वाले दिनों में बिना 370 के नई सरकार कैसे काम करेगी, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।